सम्मानीय राम नारायण परतेती जी भाई साहब आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ अर्री से पधारे सम्मानी उसरेते जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे ग्राम के सरपंच सम्मानी श्री ग्राम के पटेल साहब रघुनंदन विके जी। आज के इस कार्यक्रम में सम्मानीय आज के इस कार्यक्रम में और दूर दराज क्षेत्रों से आए हमारे सारे युवा बेल पठार लो बेल पर। हाँ टास हो रहा है, स्टार्ट हो गया है कार्य, टास हो रहा है और टास के कल पंजाब को मारो ने अभी कॉन्फिडेंस लेवल चरम पे है। चरना गांव के सौभाग्य को बढ़ाया, राष्ट्र के लिए जीते हैं और राष्ट्र चूंकि आप लंबे समय से बैठे हैं, शायद हमारी दोनों टीमें बढ़त बना ली है, अब देखना है क्या होता है। पहली सर्विस बिल पठार की तरफ से बहुत अच्छी शॉट, सहबाज भाई की तरफ से और एक अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए और बहुत जबरदस्त शुरुआत यहाँ नरसिंहपुर की टीम की। बहुत अच्छा ब्लॉक, डेढ़ ब्लॉक मारते हुए नरसिंहपुर की टीम। एक और विशेष सूचना, जो भी खिलाड़ी अटैक लाइन के अंदर 2 मीटर के अंदर जो भी खिलाड़ी पर्सनल पुरस्कार है ये पर्सनल पुरस्कार है, जो भी चाहे बेल पठार हो या नरसिंहपुर की टीम हो अटैक लाइन के अंदर जो टीम मारती है उसको पर्सनल हेट हेट कर रहा है। ये बेल पठार के लिए अच्छी शायरी, न पूछो कि न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से ही वादा किया है। बहुत अच्छा शॉट, जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। आप समझ चुके हैं हमारे दलवीर आर्मी वाले आर्मी मैन मिलिट्री मैन छत्तीसगढ़ से 100 रुपए की राशि प्रदान करेंगे जो अटैक लाइन के अंदर मारेंगे, तब प्लेसमेंट की बात नहीं है, साथ चाहिए। बहुत अच्छा मैच चलता हुआ दोनों के टीम मध्य, जबरदस्त मुकाबला यहाँ चलता हुआ। एक पॉइंट और अर्जित किए, जीतेगी या तो उसके लिए भी 50 रुपए की राशि राजकुमार सरयाम हमारे 50 रुपए की राशि प्रदान की है। जो भी टीम जीते, नरसिंहपुर जीते या बेल पठार जीते, उसको 50 रुपए की राशि नगद पुरस्कार की जाएगी। कांगा जी कुमार मासम, अकेले में अक्सर हम अपनी परछाइयों से डर जाते हैं, अगर तुम्हारे सभी साथी खिलाड़ियों का साथ मिले तो हम इस मैच को धन्यवाद दुनिया से जीत जाते हैं। बहुत अच्छा मुकाबला, प्रथम सेमीफाइनल जो हो रहा है, रोमांचकारी मुकाबला, गुड हिट, जबरदस्त हिट। नहीं, सिक्स ऑल, जबरदस्त वापसी कही जानी चाहिए बेल पठार की, गुड हिट, जबरदस्त हिट। हमारे हुआ पूरी टीमें लगभग हमारे गाजेंद्र ग्राउंड स्टेडियम में लगभग 5,000 दर्शक बंधु यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपका अमूल्य समय हमारे ग्राम झरनाम पे आपने दिए हैं और आप यहाँ बैठकर और आनंद ले रहे हैं मैच का, और आप मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप फाइनल मैच देखकर ही जाएं तो शायद ज्यादा और आनंद आएगा, हमको भी खुशी होगी और हमारे बीच बैठे हुए हमारे पूर्व डीएसपी